हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल वेल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर न्यू टॉपिक, दैट इज सिट्रिक साइकिल और क्रेब साइकिल। ठीक है, आइए देखते हैं क्रेब साइकिल क्या होता है। अभी मैंने ग्लाइकोलिसिस आपको बताया था, अब हम लोग क्रेब साइकिल देखेंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तीनों एक ही साइकिल के नाम है। सिट्रिक एसिड साइकिल उसको कहा जाता है, उसको TCA भी कहा जाता है और उसको क्रेब साइकिल भी कहा जाता है। TCA साइकिल डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड केमिकल रिएक्शंस दैट फॉर्म अ की पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेल। ठीक है, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है और दिस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेब साइकिल इन द सिट्रिक एसिड्स एंड द सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको क्रेब साइकिल भी कहा जाता है और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका क्या होता है। द सिट्रिक एसिड साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाई हैंस स्केप 1937 एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देखिए, इसको हैंस ने 1937 में डिस्कवर किया था इस साइकिल को, इसलिए इसको क्रेब साइकिल कहा जाता है और इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्रेब रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1953 फॉर हिज डिस्कवरी। क्रेब जो साइंटिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज मिला था 1953 में उनकी इस डिस्कवरी के लिए। ठीक है, द TCA साइकिल ऑक्यूपाई ए सेंट्रल पोजिशन इन द मेटाबोलिज्म एंड मीट मोस्ट ऑफ सेल एनर्जी रिक्वायरमेंट बाई कम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम अ की प्रोडक्ट इन द कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। देखिए, TCA साइकिल में क्या होता है, जो ग्लाइकोलिसिस हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें जो पायरविक एसिड होता है, ये साइकिल फर्दर वहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, की प्रोडक्ट इन द कैटाबोलिज्म ऑफ इसका जो एसिटिल कोएंजाइम इसका की प्रोडक्ट होता है वो कैसे मिलता है, फ्रॉम द कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड अमीनो एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, इन एडिशन द साइकिल प्रोवाइड प्रिकर्सर ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट NADH दैट इज यूज इन न्यूमरस अदर बायोकेमिकल रिएक्शंस। द साइकिल कंज्यूम एसिटेट एंड वाटर रिड्यूस NAD टू NADH एंड प्रोड्यूस CO2 एज ए वेस्ट बाई प्रोडक्ट। द NADH जनरेटेड बाई द TCA साइकिल इज फेड इन टू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। द यूकैरियोटिक सेल सिट्रिक एसिड साइकिल अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पाया जाता है और ये जो साइकिल होती है सिट्रिक एसिड साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, उसके मैट्रिक्स में ये देखिए साइकिल दी गई है, ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया। आप लोगों को जब आप लोग एग्जाम में बनाएंगे एग्जाम में लिखेंगे तो विद स्ट्रक्चर आप लोगों को कोई भी साइकिल हो, ग्लाइकोलिसिस हो, सिट्रिक एसिड साइकिल हो, EMP पाथवे कुछ भी हो, वो आप लोगों को विद स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए पायरुवेट बना था, पायरुवेट और पायरुविक एसिड क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे ये पायरुवेट से स्टार्ट होगा, इससे एसिटिल को एंजाइम बनेगा। कैसे बनेगा, NADH और NAD से NADH प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसके बाद एसिटिल को एंजाइम से सिट्रेस सिंथेसिस एंजाइम लगेगा, उससे सिट्रेट बनेगा। एकोटिनेज एंजाइम लग के H2O मॉलिक्यूल रिलीज आउट होगा, सिस एकोटिनेज का फॉर्मेशन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। एकोटिनेज एंजाइम लगेगा, H2O आइसोसिट्रेट बनेगा, आइसोसिट्रेट से यहाँ पे फिर डिहाइड्रोजनेज होगा, NAD से NADH और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा, ऑक्सैलो सक्सीनेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखिए आइसोमेराइजेशन होगा, आइसो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा, फिर यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा। अल्फा कीटो ग्लूटारेट यहाँ पे देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज लगेगा, फिर से यहाँ पे NAD से NADH, मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस में भी बताया था जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा होता है वहाँ पे काइनेज एंजाइम लगता है और जहाँ से फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो रिलीज आउट हो रहा होता है वहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा। फिर इससे सक्सिनिल को एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, GTP से GDP और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सक्सिनेट और थायोकाइनेज देखिए यहाँ पे लग रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो यहाँ सक्सिनेट से थायोकाइनेज ग्रुप लगेगा। ठीक है, एंजाइम ऐड होगा, फिर उससे सक्सिनेट का फॉर्मेशन होगा, सक्सिनेट से FADH2 लगेगा, रिलीज होगा, फ्यूमरेट होगा, फ्यूमरेट से फ्यूमरेज एंजाइम यहाँ पे ऐड होगा, H2O मॉलिक्यूल रिलीज आउट होगा और यहाँ पे
मैलेट बनेगा, मैलेट से यहाँ पे ऑक्सेलो एसिटेट बनेगा, फिर यहाँ पे एनएडी से एनएडीएच निकलेगा, ठीक है, फिर ऑक्सेलो एसिटेट से एसिटिल कोएंजाइम फर्दर बनेगा, फिर ये पूरी साइकिल आगे कंटिन्यू होगी, एसिटिल कोएंजाइम से सिट्रेट, सिट्रेट से सिस एकोटिनेस एंड आइसोसिट्रेट, ऑक्सेलो सक्सिनेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सेलो एसिटेट। देखिए एसिटिल कोएंजाइम, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सेलो एसिटेट, फर्दर ये पूरी साइकिल कैरी ऑन होगी। रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल में देखिए, फर्स्ट होगा सिट्रेट सिंथेस, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिल कोएंजाइम इंटरमीडिएट, ऑक्सेलो एसिटेट का मॉलिक्यूल लिया जाएगा, सिट्रेट सिंथेसिस की प्रोसेस कराई जाएगी, सिट्रेट फॉर्मेशन होगा। एकोटिनेस में क्या होगा, दिस एंजाइम कैटेलाइज द आइसोमराइजेशन रिएक्शन बाय रिमूविंग एंड देन एडिंग बैक द वाटर टू यील्ड आइसोसिट्रिक एसिड। देखिए पहले रिमूव करवाया जाएगा, फिर ऐड किया जाएगा वाटर मॉलिक्यूल को, यहाँ पे पहले यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट कराया जाएगा और फिर यहाँ पे एड ऑन करा दिया जाएगा। सिट्रेट से एकोटिनेस एंजाइम आइसोसिट्रेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस से क्या होगा, इन दिस फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल आइसोसिट्रिक एसिड इज ऑक्सीडेटिवली डिकार्बोक्सिलेट टू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। देखिए आइसोसिट्रेट जो मॉलिक्यूल होगा उससे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस की प्रोसेस होगी, एनएडी से एनएडीएच निकलेगा, सीओ टू मॉलिक्यूल रिलीज आउट होगा और अल्फा कीटो ग्लूटारेट का फॉर्मेशन होगा। फिर फोर्थ प्रोसेस क्या होगी, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस होगा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज सिमिलर टू पायरवेट डिहाइड्रोजनेस, इससे अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होगा उससे एनएडी से एनएडीएच निकलेगा और सीओ टू रिलीज होगा और एसिटिल कोएंजाइम जो होगा जाके वो एड ऑन हो जाएगा, इससे सक्सिनिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा। सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटिस क्या होगा, सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटिस लाइक एसिटिल कोएंजाइम हैज ए थायोइस्टर बॉन्ड विद वेरी नेगेटिव फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस, GDP प्लस ADP इज इक्वल टू GDP प्लस ATP। सक्सिनिल कोएंजाइम, यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटिस की प्रोसेस होगी, कोएंजाइम रिलीज आउट हो जाएगा और सक्सिनेट ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, यहाँ पे सक्सिनेट का फ्यूमरेट में ऑक्सीडेशन होगा। दिस इज द ओनली सिट्रिक एसिड साइकिल एंजाइम दैट इज टाइटली बाउंड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये ओनली एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इट इज़ ए FAD डिपेंडेंट एंजाइम, सक्सिनेट से फ्यूमरेट का फॉर्मेशन होगा, FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस में। फ्यूमरेज में क्या होगा, द फ्यूमेलिक एसिड रिएक्ट विद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज, फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेलिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। देखिए फ्यूमरेट से फ्यूमरेज एंजाइम लगेगा, H2O मॉलिक्यूल जाके ऐड हो जाएगा और मैलेट का फॉर्मेशन होगा। एल मैलेट डिहाइड्रोजनेस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्सेलो एसिटेट, इट इज़ एन एनएडी डिपेंडेंट एंजाइम। मैलेट को देखिए, मैलेट का ग्रुप, ये मैलेट दिया गया है कंपाउंड, इससे एनएडी से एनएडीएच निकलेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा, मैलेट डिहाइड्रोजनेस होगा और ऑक्सेलो एसिटेट का फॉर्मेशन होगा। सिग्निफिकेंस क्या होता है DCA साइकिल का, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब साइकिल आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल लाइक अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम एंड फैट्स एक्सेट्रा। इंटरमीडिएट लाइक सक्सिनिल कोएंजाइम टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, अमीनो एसिड आर फॉर्म फ्रॉम अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, पायरविक एसिड एंड ऑक्सेलो एसिड। अमीनो एसिड अल्फा क्लूटो कीटो ग्लूटारिक एसिड बनेगा, पायरविक एसिड ऑक्सेलो एसिड बनेगा, ठीक है, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। क्रेब साइकिल रिलीज प्लेंटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, क्रेब साइकिल से इतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है जो फर्दर मेटाबॉलिक प्रोसेस, सेल की जो फर्दर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक उसके लिए रिक्वायर होती है। बाय दिस साइकिल कार्बन स्केलेटन आर गॉट विच आर यूज इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड मेंटेनिंग द सेल। देखिए कॉन्क्लूजन को बायो एनर्जेटिक्स भी कहते हैं कि इस जो पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल है उसमें आपकी जो कितने ATP के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपको
मिले, ठीक है। टीसीए साइकिल एटीपी जनरेशन, टोटल एटीपी जो बनेंगे 12 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होगा। 3 एनएडी से 9 एटीपी बनेगा, 1 एफएडी से 2 एटीपी बनेगा, 1 जीडीपी से 1 एटीपी बनेगा। तो ये टोटल मिलके आपका 12 एटीपी का फॉर्मेशन होगा इन द प्रोसेस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, थैंक यू।